बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ओवरव्यू ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो जिसका टाइटल था सबस्टेशंस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैंने आपको बताया था कि पावर जनरेशन जो होती है वो जनरेशन साइट्स पे होती है या जनरेशन प्लांट्स पे होती है, और जनरेटिंग प्लांट्स जो हैं नॉर्मली पॉपुलेटेड एरिया से दूर बनाए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, आइडियल लोकेशन जो जनरेटिंग सोर्स की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती है। तो नॉर्मली जनरेटिंग साइट्स जो हैं वो पॉपुलेटेड एरिया से दूर होती हैं, तो ऐसी साइट से पावर को कैरी करना टू द एंड यूज़र्स डिपेंड करती है आपके फर्दर दो सिस्टम्स पे। वो सिस्टम्स है पावर ट्रांसमिशन या ट्रांसमिशन नेटवर्क, और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ट्रांसमिशन नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जो डिफरेंस है वो इनकी पावर हैंडलिंग एबिलिटी और वोल्टेज लेवल का डिफरेंस होता है। ट्रांसमिशन में नॉर्मली वोल्टेजेस बहुत हाई होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में वोल्टेजेस जो हैं वो कम होते हैं। इसी तरह ट्रांसमिशन में पावर ज़्यादा होती है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में पावर जो है वो कम होती है। तो ये तो बेसिक डिफरेंस है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में। आज हमारा जो टॉपिक डिस्कशन होगा वो हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन को एक जर्नलाइज ओवरव्यू देते हैं देंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन या पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या होता है और उसकी क्या टाइप्स हैं, क्या क्लासिफिकेशन हैं। तो आज तक जो हमारे कंटेंट्स हैं लेक्चर के वो हैं, सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ओवरव्यू देते हैं, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देते हैं। इसमें एसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी और डीसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। नेक्स्ट हम ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बीच में हम जो डिफरेंसेस हैं वो स्टडी करेंगे, और एंड में हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की क्लासिफिकेशन देते हैं तो वो स्कीम ऑफ कनेक्शन की बेसिस पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह क्लासीफाई किया। अब सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को देखते हैं। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आप डिफाइन करना चाहें तो इसकी जो आइडियल डेफिनेशन बनती है वो है द पार्ट ऑफ पावर सिस्टम विच डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक पावर फॉर लोकल यूज़। ठीक, मींस आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ग्रिड स्टेशन से लेकर मींस सेकेंडरी सब स्टेशन से लेते आपके एंड यूज़र तक जो पावर था, नेटवर्क था, उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तीन पार्ट्स होते हैं या तीन पोर्शंस होते हैं। कौन कौन से? सब फर्स्ट वन इज़ द फीडर, सेकंड इज़ डिस्ट्रीब्यूटर, एंड द लास्ट वन इज़ सर्विस मैन। अब फीडर बेसिकली, अगर आप इसको समझना चाहें तो फीडर बेसिकली वो चीज़, वो पार्ट होता है जो थे सेकेंडरी सब स्टेशन की आउटपुट या सेकेंडरी सब स्टेशन की सेकेंडरी पार्ट से लेते डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन की प्राइमरी तक जो ये पोर्शन होता है पावर सिस्टम का, इसको आप फीडर बोलते हैं। बेसिकली ये सेकेंडरी सब स्टेशन को कनेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के साथ। फीडर नॉर्मली थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम होता है, और हमारे मुल्क में अगर आप देखते हैं तो फीडर के लिए जो वोल्टेजेस होते हैं वो 11 केवी होते हैं। ठीक, अदर इस यहाँ एक्सप्लेन डेफिनेशन को आप देते हैं तो ये है फीडर विच कनेक्ट्स द सब स्टेशन टू एरिया वेयर पावर इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और नॉर्मली फीडर में से हम टैपिंग नहीं लेते, और जिसकी वजह से करंट थ्रू आउट द सिस्टम जो है वो सेम रहता है। और द मेन कंसिडरेशन जो होती है फीडर की डिज़ाइनिंग में वो उसकी करंट हैंडलिंग कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट, फीडर जो है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे एंड हो जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो स्टार्ट होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं।
डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली थ्री फेज फोर वायर नेटवर्क होता है, जिसमें तीन फेजेस रेड येलो ब्लू फेज होता है और फोर्थ कंडक्टर जो है वो न्यूट्रल कंडक्टर होता है। एंड यूज़र बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर से टैप्स लेकर अपने जो होम है या अपने जो टर्मिनल्स हैं वो उसको डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जोड़े जाते हैं। मींस दे डिस्ट्रीब्यूटर से एक एंड यूज़र जो है वो टैप्स लेता है, तो इस वजह से जो डिस्ट्रीब्यूटर पे जो वोल्टेजेस और करंट्स की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक है, मीन्स करंट इन द डिस्ट्रीब्यूटर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टैपिंग। और इसी के साथ साथ वोल्टेजेस जो हैं वो भी कम हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर पे, जैसे ही आप ट्रांसफार्मर से अवे मूव करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर के जो वोल्टेजेस हैं वो भी कम हो जाते हैं, कम होते रहते हैं एज़ यू मूव अवे फ्राम द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। और इन वोल्टेजेस की वेरिएशन बेसिकली प्लस माइनस 6% ऑफ द रेटेड वैल्यू होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द पार्ट सर्विस मेन। सर्विस मेन वो पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो डिस्ट्रीब्यूटर को आपके घर के साथ जोड़ती है, आपके होम के साथ जोड़ती है। बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए वो ब्लैक कलर की टेबल जिसको आप जो आपके घरों से मीटर में आते लगती है उसको आप सर्विस मेन बोलते हैं। ठीक है, जैसे तो यहाँ पे मेंशन है स्मॉल टेबल विच कनेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूटर विद द कंज्यूमर टर्मिनल। अब ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं ये एस जो सेंटर में बना है ये बेसिकली एक सब स्टेशन है। सब स्टेशन से डिफरेंट फीडर जो हैं वो निकल रहे हैं और ये फीडर जो हैं बेसिकली सी ये ए बी सी और डी पॉइंट्स पे फीडर एंड होते ये इसको डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क ये आपका फॉर्म हो रहा है। मीन्स ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, ये सारा आपका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के बाद ये जो आपकी एरोज के साथ लाइन्स होती हुई हैं ये बेसिकली सर्विस मेन है। मीन्स ए बी ये डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है जिसके अंदर तीन टैप्स ली गई हैं। ठीक है, और ये तीन टैप्स जो हैं बेसिकली आपके एंड यूज़र के टर्मिनल तक जा रही हैं। नेक्स्ट ये है जो क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हमने किस तरह क्लासीफाई करना है, इनकी क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है इनकी नेचर ऑफ करंट पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में करंट की नेचर क्या है, अदर करंट की नेचर डीसी है तो हम उसको डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं, और अदर करंट की नेचर एसी है तो हम उसको एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। नॉर्मली इन एसी और डीसी में जो हमारे पास एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो मोस्टली प्रेफर्ड किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास कंसिडरेशन होती है वो है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन की बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कैटेगराइज करते हैं। और अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वी हैव क्लासिफाइड द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ ओवरहेड सिस्टम एंड सेकंड वन इज़ अंडरग्राउंड सिस्टम। ओवरहेड सिस्टम 5 से 10 टाइम चीपर होता है एज कम्पेयर टू अंडरग्राउंड सिस्टम ऑफ द सेम रेटिंग। नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है वो या नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन का वो है हमारे पास थीम ऑफ कनेक्शन। मीन्स थीम ऑफ कनेक्शन थीम की बेसिस पे आपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को क्लासीफाई करते हैं। तो थीम ऑफ कनेक्शन की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे पास तीन टाइप्स में क्लासीफाई होता है। फर्स्ट वन इज़ रेडियल सिस्टम, सेकेंड वन इज़ रिंग मेन सिस्टम एंड द लास्ट वन इज़ इंटरकनेक्टेड सिस्टम। ये क्या है ये हम इसी लेक्चर से आगे हम इसको स्टडी करेंगे, इसी लेक्चर के एंड में हम इसको स्टडी करेंगे ये तीनों सिस्टम्स। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एसी डिस्ट्रीब्यूशन। एसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया एसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक जो ये पार्ट होता है बेसिकली जिसको आप फीडर बोलते हैं इसको आप प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। मींस फीडर इज़ आल्सो नोन एज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कॉमनली जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें वोल्टेजेस 11 kV, 6.6 kV या 3.3 kV होते हैं, और ये बेसिकली थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम होता है।
इसी तरह सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो पार्ट है जो थे सेकेंडरी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से लेते आप एंड यूज़र एक यूज़र थे टर्मिनल तक आते हैं, या सिंपल वर्ड्स में आपते घरों तक का जो पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से आपते घरों तक जो पार्ट है उसको आप सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। ये बेसिकली 3-phase 4-wire सिस्टम होता है, और इस सिस्टम में जो वोल्टेजेस होते हैं वो या तो 400 वोल्ट होते हैं 3-phase में, और या 220 से 230 वोल्ट होते हैं सिंगल फेज में। और यही चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बताई हुई है, द सिंगल फेज डोमेस्टिक लोड 220 वोल्ट आर कनेक्टेड बिटवीन 1 phase एंड द न्यूट्रल, वाइल 3-phase लोड विच डिमांड्स 400 वोल्ट आर कनेक्टेड अक्रॉस द 3-phase लाइन डायरेक्टली। इस डायग्राम में आप यही बात देख सकते हैं। तो ये इस पॉइंट पे अगर आप देखते हैं तो ये देखते हैं, ये आपके पास 3-phase 3-wire सिस्टम है, ठीक है, जो थे डेल्टा में कनेक्टेड है, 11 kV इस वोल्टेजेस हैं। यहाँ पे आते ये स्टेप डाउन हो गया 3-phase 4-wire सिस्टम पे। ये बेसिकली ये जो डॉटेड लाइन है ये है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर शो किया हुआ है, मीन्स इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे 11 kV हैं, और इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पे 3-phase 4-wire सिस्टम है जिस पे 400 वोल्ट फॉर 3-phase एंड 220 वोल्ट फॉर सिंगल फेज है। इसी डॉटेड लाइन को अगर आप मज़ीद वो देते हैं तो आपको पता ये चलेगा, तो इस डॉटेड लाइन से पहले जो 11 kV से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी सबस्टेशन तक ये जो पार्ट है इसको आप फीडर बोलते हैं, और इस डॉटेड लाइन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है यहाँ से लेकर जो एंड यूज़र है ये जो सारा पोर्शन है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स और सर्विस मैन आता है इसको आप सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अगर आपको सिंगल फेज चाहिए होता तो आपने क्या करना है, इस रेड येलो और ब्लू फेज में से किसी एक के साथ आपने एक टैप जोड़ देनी है, और न्यूट्रल के साथ आपने दूसरी टैप जोड़ देनी है, तो आपको जो है सिंगल फेज मिल जाएगा। और अगर आपको 3-phase चाहिए तो आपने इन तीनों रेड येलो ब्लू और अब न्यूट्रल इन तीनों के साथ आपने टैप्स जोड़ दे, 3-phase जो है वो आपने हासिल कर लेनी है। अच्छा, नेक्स्ट है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन वेरी बहुत सिंपल मेथड है बेसिकली, लेकिन ये यूज़ नहीं किया जाता, इसके अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, ठीक है। तो हम डीसी डिस्ट्रीब्यूशन को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ 2-wire डीसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे तो यहाँ डायग्राम में मेंशन है, तो सिंपल 2 wires होती हैं और लोड जो है उसके बीच में आप कनेक्ट कर देते हैं, और ठीक है, यहाँ एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, और ये आपके पास लोड 1, लोड 2 एंड लोड 3 है, और लोड 3 जो है हमारे पास यहाँ पे मोटर लोड है। तो जो लोड होता है उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव के साथ एक टर्मिनल नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं तो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। फिर इसी तरह डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में है 3-wire डीसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सिर्फ फ़र्क ये होता है कि आपके पास एक न्यूट्रल वायर जो है वो इंसर्ट कर देते हैं। अब पॉजिटिव टर्मिनल टू न्यूट्रल वायर जो वोल्टेजेस हैं वो हैं वी, और पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ये जो वोल्टेजेस हैं वो हैं आपके पास 2V। तो 3-wire डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास 2 voltages होते हैं, 2 ranges ऑफ वोल्टेजेस होते हैं। अगर आपको लेस वोल्टेज लोड है तो आप उसको पॉजिटिव टर्मिनल और न्यूट्रल वायर के साथ आप जोड़ देते हैं, और अगर आपके पास हैवी लोड है, हाई वोल्टेजेस चाहिए, तो आपने सिंपल पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो हाई वोल्टेजेस आपको मिले हैं, ठीक है, आपने उसके साथ हैवी लोड जोड़ देना है। नेक्स्ट इज द ओवरहेड वर्सेस अंडरग्राउंड सिस्टम। ओवरहेड और अंडरग्राउंड सिस्टम को अगर आप डिफ्रेंशिएट करें तो आपको ये पता चलेगा कि कहीं पे ओवरहेड सिस्टम यूज़फुल है, कहीं पे अंडरग्राउंड सिस्टम जो है वो यूज़फुल है। बहरहाल इनते जो कंपैरिजन चार्ट है उसके लिए हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस पे हम इनका कंपैरिजन करते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है पब्लिक सेफ्टी। अब पब्लिक सेफ्टी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे होती है वो आपके लिए ये है कि जो लोग होते हैं या जो आपके पास जो पब्लिक है तो उसकी सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है।
और वो सेफ्टी तब भी पॉसिबल है जब एक आदमी या एक पब्लिक जो है वो एक्सपोज ना हो टू द पावर कंडक्टर्स। तो इस देश में जो अंडरग्राउंड सिस्टम होता है वो मोर सेफ है एज़ कम्पेयर टू द ओवरहेड सिस्टम। अगर इनिशियल कॉस्ट की बात की जाए तो इनिशियल कॉस्ट जो है अंडरग्राउंड सिस्टम की जो है वो ज़्यादा होती है, इज़ मोर एक्सपेंसिव देन ओवरहेड सिस्टम, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर उसका। अंडरग्राउंड सिस्टम में आपको डट्स बनानी पड़ती हैं, ट्रेंचेस बनानी पड़ती हैं, फिर आपका टेबल्स होते हैं, ठीक है, पावर टेबल्स होती हैं। तो एज़ कम्पेयर टू ओवरहेड सिस्टम अंडरग्राउंड सिस्टम जो है उसकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी। ओवरहेड सिस्टम जो है वो मोर फ्लेक्सिबल है देन द अंडरग्राउंड सिस्टम, जस्ट बिकॉज अंडरग्राउंड सिस्टम में आपके पास जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, आपने डट्स बना देते हैं, आप मैन होल्स बना देते हैं, आपने टेबल्स बना आपकी टेबल इंस्टॉल होती हैं इसी अंडरग्राउंड पाथ के अंदर, तो आप उसको मूव नहीं कर सकते, आप उसको एक उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर सकते, आपको वो केबल्स और जो अंडरग्राउंड सिस्टम है वो एज इट इज़ ही रखना पड़ेगा। इसके मुकाबले में जो ओवरहेड सिस्टम होता है वो आप उसको इजीली मूव ऑन कर सकते हैं। अगर आपने टावर थी, आप टावर जो है वो एक जगह से उठा दें दूसरी जगह पे लगा दें तो पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर फॉल्ट्स की बात करें तो अंडरग्राउंड सिस्टम में फॉल्ट्स जो हैं वो बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि उनके केबल जो हैं वो प्रॉपरली ले दी जाती हैं और उन पे प्रॉपर इंसुलेशन होती है, तो किसी भी तरह का लाइन टू लाइन या लाइन टू न्यूट्रल फॉल्ट जो है या वो अंडरग्राउंड सिस्टम पे नहीं आता, जबकि ओवरहेड सिस्टम में फॉल्ट्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। अपीयरेंस, डेफिनेटली अपीयरेंस वाइज जो है अंडरग्राउंड सिस्टम इज़ बेटर, क्योंकि ओवरहेड सिस्टम में आपके पास जो कंडक्टर्स हैं, टावर्स हैं, वो एक्सपोज्ड होते हैं और आपका एनवायरनमेंट की जो लुक है वो ख़राब कर सकते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू ओवरहेड सिस्टम अंडरग्राउंड सिस्टम में अपीयरेंस वाइज आपको ना कंडक्टर नज़र आता है ना इस आपको पोल्स नज़र आते हैं, तो अंडरग्राउंड सिस्टम इज़ मोर बेटर इन अपीयरेंस देन ओवरहेड सिस्टम। फॉल्ट लोकेशन एंड रिपेयर, इस फॉल्ट लोकेशन और रिपेयर में अंडरग्राउंड सिस्टम जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अंडरग्राउंड सिस्टम में फॉल्ट की लोकेशन करना, ट्रेस करना और उसको रिपेयर करना, लेकिन ये भी याद रहे थे अंडरग्राउंड सिस्टम में फॉल्ट्स बहुत कम आते हैं, लेकिन जब फॉल्ट्स आते हैं तो उसको लोकेट करना और उसको रिपेयर करना मुश्किल होती है अंडरग्राउंड सिस्टम में एज़ कम्पेयर टू ओवरहेड सिस्टम। जबकि ओवरहेड सिस्टम में आप फॉल्ट को ईजिली लोकेट भी कर सकते हैं और फॉल्ट उस कंडक्टर को या उस फॉल्ट को आप ईजिली रिपेयर भी कर सकते हैं। करंट कैरिंग कैपेसिटी और वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो ओवरहेड सिस्टम जो है या ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर्स में करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अंडरग्राउंड कंडक्टर्स। इसी तरह अंडरग्राउंड जो केबल्स होते हैं हैज़ मच लोअर इंडक्टिव रिएक्टेंस देन द ओवरहेड कंडक्टर्स, जिसकी वजह से करंट हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। बेसिकली जो करंट हैंड अंडरग्राउंड कंडक्टर्स जो होते हैं, अंडरग्राउंड केबल्स में कंडक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और उनके दरमियान सिर्फ इंसुलेशन मौजूद होती है, जिसकी वजह से उसकी जो रिएक्टेंस है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू ओवरहेड कंडक्टर्स, जिनके दरमियान में फासला जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वन इज़ द मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ अंडरग्राउंड सिस्टम जो है वो बहुत लो है एज़ कम्पेयर टू द ओवरहेड सिस्टम, क्योंकि उसमें अंडरग्राउंड सिस्टम में एक तो फॉल्ट्स बहुत कम आते हैं और फॉल्ट्स कम आने की वजह से उस पे जो है मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास स्कीम ऑफ कनेक्शन की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आप क्लासीफाई करते हैं, और अकॉर्डिंग टू स्कीम ऑफ कनेक्शन वी क्लासीफाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ द रेडियल। अगर रेडियल को आप देखते हैं इस डायग्राम के अंदर, तो ये आपके पास एक सब स्टेशन है, ठीक है, सेकेंडरी सब स्टेशन है। इस सेकेंडरी सब स्टेशन से फीडर्स निकल रहे हैं, ये ओ और सी जो है ये फीडर है, ठीक।
इस फीडर पे हमने फिर यहाँ पे टैप्स ली हुई हैं, ठीक है। ए और बी जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर है बेसिकली। यहाँ इस ए पॉइंट पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से एंड में डिस्ट्रीब्यूटर्स और लोड या सर्विस मेन जो हैं वो कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हर सेपरेट फीडर जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर या लोड को है वो फीड कर रहा है, और ये सारे फीडर जो हैं कनेक्टेड हैं एक सबस्टेशन के साथ। तो इसमें ये होता कि जो भी नियरेस्ट पॉइंट होता सबस्टेशन या फीडर के साथ जो नियरेस्ट पॉइंट होता उसमें तो वोल्टेज ज़्यादा होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप अवे मूव करेंगे तो वोल्टेज जो हैं वो कम होते जाएंगे, और जो एंड यूज़र होता जो उस फीडर पे या उस डिस्ट्रीब्यूटर पे सबसे आखिरी यूज़र होता उसके पास वोल्टेज जो हैं वो कम होंगे, और जो सबसे नियरेस्ट यूज़र होता नियरेस्ट होता फीडर होता उसके पास हैवीली लोडेड होता डिस्ट्रीब्यूटर। और इसमें एक और चीज़ यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ ये सारे जो फीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर हैं या लोड्स हैं वो एक ही सबस्टेशन के साथ कनेक्टेड हैं, और अगर किसी भी वजह से इस पे फॉल्ट आता है तो ये सारे के सारे जो फीडर्स हैं ये सारे के सारे जो लोड्स हैं वो इंटरप्ट हो जाएंगे और डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ द रिन मेन सिस्टम। रिन मेन सिस्टम रेडियल सिस्टम से थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका सबस्टेशन है, और जो फीडर हैं जिस तरह प्रीवियस रेडियल में आपको बताया था थे हर फीडर जो है वो सबस्टेशन से निकल रहे और एटी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रिन मेन सिस्टम है उसमें फीडर्स बेसिकली एक रिन शेप बनाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ये जो एक लूप है ये बेसिकली प्राइमरी रिन बोलते हैं, और या इसको आप फीडर्स बोलते हैं, और यहीं से ही सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब अगर किसी वजह से यहाँ पे आप सपोज़ ये जो एफ है यहाँ पे फॉल्ट तो शो कर रहा है, तो आपने सिंपल इस वाले पोर्शन को ओपन कर देंगे, इस पोर्शन को आइसोलेट कर देंगे, और जो सर्किट है वो इस पाथ से फीड हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें वोल्टेज की फ्लक्चुएशन जो हैं वो कम होती हैं, और ये एक बेटर सोल्यूशन है प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ अनइंटरप्टेड पावर। रिन मेन सिस्टम थोड़ा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द रेडियल सिस्टम। द नेक्स्ट वन इज़ द इंटरकनेक्टेड सिस्टम। इंटरकनेक्टेड सिस्टम रिन मेन सिस्टम की एडवांस वर्जन है। यहाँ पे रिन मेन सिस्टम में चूंकि सबस्टेशन एक था और फीडर जो हैं वे क्लोज लूप फॉर्म करते थे, इंटरकनेक्टेड सिस्टम में एग्जैक्टली रिन मेन सिस्टम ही होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस एक सबस्टेशन के बजाय दो सबस्टेशन एक ही प्राइमरी रिन के ऊपर इंटरकनेक्ट होते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे मेंशन है व्हेन द फीडर रिन इज एनर्जाइज्ड बाय टू और मोर देन टू जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है। ये यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं S1 और S2, ये दोनों जो हैं ये सबस्टेशन हैं और ये कनेक्टेड हैं एक प्राइमरी या फीडर रिन के साथ। फीडर रिन यहाँ पे शो हो रहा है A, R, B, O, C, P, D एंड Q, ये आपके पास फीडर रिन है, ठीक है। और ये दो सबस्टेशन S1 और S2 इसको एनर्जाइज कर रहे हैं, और इसके साथ फिर ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर और लोड या सर्विस मैन है। अब फॉर एनी रीज़न अगर हमारे पास S1 में फॉल्ट आता है तो S2 जो है इस पूरे रिन को इस पूरे सिस्टम को एनर्जाइज कर सकता है। इसी तरह अगर S2 में फॉल्ट आता है तो हमारे पास जो S1 है वो उस पूरे सिस्टम को एनर्जाइज कर सकता है। तो इन शॉर्ट ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम जो है इसमें सिस्टम मोर रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू रिन मेन या रेडियल सिस्टम। और इसमें एक पॉइंट है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, एरिया फेड फ्रॉम वन जनरेटिंग स्टेशन ड्यूरिंग पीक लोड आवर कैन बी फेड फ्रॉम द अदर जनरेटिंग स्टेशन। एग्जैक्टली अगर आपके पास इस तरह का इंटरकनेक्टेड सिस्टम है और इसमें आपका कोई भी एक फीडर आपने हैवीली लोडेड किया हुआ है और या पीक आवर्स में आपने उसको हैवीली लोडेड किया हुआ है तो आप उसको किसी और सब स्टेशन के साथ भी एनर्जाइज कर सकते हैं, और उस पीक आवर्स के दौरान जो बाकी पूरा सिस्टम होता वो दूसरे सब स्टेशन के साथ इंटरकनेक्ट हो जाएगा।
तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो थे आप तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ओवरव्यू के लिए ज़रूरी थी आपको बताना। आज थे हमने इस टॉपिक में हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक पूरा ओवरव्यू देखा, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, क्या उनकी टाइप्स हैं, किस तरह हम उसे कैटेगराइज करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ओवरव्यू क्लियर हो दिया होगा, आपको समझ आ दिया होगा। अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर से रेलिवेंट, तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर मुझसे पूछें, और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट में मेरे साथ आप बात कर सकते हैं कमेंट्स में। मेरी इस वीडियो तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, अपने बाकी इंजीनियर फ्रेंड्स जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, उनके साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी एक रिवीजन हो सके, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग हो सके। शुक्रिया और जज़ाकअल्लाह।